हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एस्थेटिक से ली हुई एक टॉपिक रस थियरी। तो इस थियोरी को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को क्लियर करेंगे। पहले देखेंगे ये एस्थेटिक का मतलब क्या होता है। सो एस्थेटिक इज कंसर्न्ड विद ब्यूटी और आर्ट। सो एस्थेटिक इज यूज्ड टू टॉक अबाउट ब्यूटी और आर्ट एंड पीपल्स एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स। आप किसी भी तरीके के वर्क ऑफ आर्ट को देखेंगे, आपको किसी भी तरीके का प्लेजर मिल रहा है, तो वो क्या है, उसका एस्थेटिक क्वालिटी है। किसी भी आर्ट को देखकर जब हमें रोना आता है या फिर हंसना आता है, गुस्सा आ रहा है या फिर बुरा लगता है या फिर उदासी आ जाती है या फिर दया आता है, तो ये सब चीजें क्या है, उस आर्ट का एस्थेटिक क्वालिटी है। तो किसी भी चीज के आउटर अपीयरेंस को देख के जो हमें फीलिंग्स आती है, जो उसे देखकर हम जज कर पाते हैं, तो वो क्या है, एस्थेटिक है। तो यहाँ पे हम इंडियन एस्थेटिक की बात कर रहे हैं, मतलब जो इंडियन ड्रामास होते हैं, पोएट्रीज होते हैं, आर्ट्स होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है रस थियरी, इसको समझने के लिए ये जो वर्ड है फीलिंग्स और इमोशंस, ये हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि ये पूरा इसी पर बेस्ड है। तो जब हम कोई भी ड्रामा देखते हैं, तो उस ड्रामा को देखने के बाद जो भी हमारे अंदर एक इमोशंस आते हैं, चाहे वो हंसना होता है या रोना होता है या बुरा लगना होता है या गुस्सा आना होता है, तो उस ड्रामे का क्या है, वो रस है। वैसे ही कोई म्यूजिक सुनते हैं, तो म्यूजिक सुन के भी जो भी हमारे अंदर इमोशंस जगते हैं, जैसे भी टाइप के इमोशंस जगते हैं, तो उस म्यूजिक का वो रस है। हमने कई बार सुना होगा कि आजकल के म्यूजिक में वो बात नहीं है, तो एक्चुअली में हम क्या कहना चाहते हैं, आजकल के म्यूजिक में वो रस नहीं है कि किसी के इमोशंस को इवोक कर सके। तो इस रस को क्या कहा जाता है, एस्थेटिक फ्लेवर। सो इन इंडियन एस्थेटिक्स रस लिटरली मींस नेक्टर, एसेंस और टेस्ट। तो इंडियन एस्थेटिक के अकॉर्डिंग कोई भी ड्रामा का या फिर कोई भी आर्टिस्टिक वर्क ले लो, म्यूजिक, पोएट्री, ड्रामा, जो भी है, उसका जो प्राइमरी गोल है, मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होना चाहिए, ऑडियंस के अंदर से रस को इवोक करना, मतलब इमोशंस को बाहर लाना। तो रस क्या है, एक सोल है, मतलब आत्मा है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं सेम चीज टेक्स्ट के थ्रू। इन इंडियन एस्थेटिक रस लिटरली मींस नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, एक मीठा रस होता है, मीठा जूस। एसेंस और टेस्ट, एसेंस मींस फ्लेवर। इट कनोट्स अ कॉन्सेप्ट इन इंडियन आर्ट्स अबाउट एस्थेटिक फ्लेवर ऑफ एनी विजुअल, लिटरेरी और म्यूजिकल वर्क दैट इवोक्स एन इमोशंस और फीलिंग्स इन द रीडर और ऑडियंस बट कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो रस थियरी क्या कन्वे कर रहा है, क्या बता रहा है, कि जो इंडियन आर्ट है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो लिटरेरी हो, चाहे वो विजुअल हो, वो क्या इवोक करता है रीडर या ऑडियंस के अंदर, एक एस्थेटिक फ्लेवर। और ये जो एस्थेटिक फ्लेवर है, या फिर आप उसको फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी कह लो, इस चीज को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब अगर कोई म्यूजिक सुनते हो, आंख बंद करके आप म्यूजिक सुन रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा कि आपको ये म्यूजिक कैसा लगा, तो क्या आप उसको डिस्क्राइब कर पाओगे, नहीं, बस आपको अच्छा लग रहा है। तो उस म्यूजिक में आपको क्या मिला, एस्थेटिक फ्लेवर मिला, उसी को रस कहते हैं। तो हम जिस फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, रस की बात कर रहे हैं, फ्लेवर की बात कर रहे हैं, वो एक राइटर अपने वर्क में क्राफ्ट करता है, अपने वर्क में डालता है, और उसे एक सेंसिटिव रीडर या फिर सेंसिटिव ऑडियंस ही समझ सकता है, जिसके पास दिल होता है वही उस फीलिंग्स को समझ पाता है। सो इट रिफर्स टू द इमोशनल फ्लेवर्स एसेंस क्राफ्टेड इनटू द वर्क बाय राइटर एंड रिलिश्ड बाय द सेंसिटिव स्पेक्टेटर। रिलिश्ड मींस एंजॉयड बाय सेंसिटिव स्पेक्टेटर, मींस सेंसिटिव ऑडियंस, लिटरली वन हु हैज हार्ट एंड कैन कनेक्ट टू द वर्क With emotions without dryness। तो रस थियरी एक संस्कृत टेक्स्ट से लिया गया था, नाट्य शास्त्र, विच बिलोंग्स टू भरत मुनि। तो रस थियरी ये एक्सपेक्ट करता है कि ऑडियंस के अंदर वो इमोशंस को इवोक करे, लेकिन वो सिर्फ उसका प्राइमरी गोल नहीं है, सिर्फ उतना उसी के लिए नहीं है वो, बल्कि रस थियरी के अकॉर्डिंग द प्राइमरी गोल एक किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का क्या होना चाहिए, कि वो ऑडियंस के अंदर एक पैरेलल लाइफ क्रिएट करे, मतलब एक रीडर या फिर कोई ऑडियंस कोई भी मूवी देख रहा है या ड्रामा देख रहा है या फिर पोएट्री पढ़ रहा है, तो वो जो भी कंटेंट है वो उसको फील कर सके, वो अपने लाइफ से उसको जोड़ सके। सो रस थियरी assert दैट एंटरटेनमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इवोक रस और जॉय, बट दैट इज नॉट द ओनली गोल। द प्राइमरी गोल इज instead टू क्रिएट parallel लाइफ इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस टू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ वंस ओन। नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ द रस थियरी। रस मीन्स एस्थेटिक, जूस, एसेंस, टेस्ट इन परफॉर्मेंस। रस इज अनडिफाइनेबल रियलाइजेशन एंड इंटेंस फीलिंग विथ डिटैचमेंट।
इट इज द फ्लेवर और एस्थेटिक इमोशन, इट इज द सोल ऑफ पोएट्री, रस इज एन इमोशन एंड cannot बी described. तो फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. इस वीडियो में जो भी मैंने टेक्स्ट को यूज किया है आप उसे एज अ नोट्स यूज कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं लिटरेचर से रिलेटेड में किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.